हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस टाइम मैं जा रहा हूँ जॉर्जियन कॉलेज बैरी कैंपस में, और इस टाइम मैं खड़ा हूँ डकवर्थ स्ट्रीट पर। तो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, तो चलो चलते हैं। तो इस टाइम पे मैं कॉलेज के कैंपस में एंटर कर चुका हूँ और ये पार्किंग स्पेस है। और अब मैं यहाँ की मेन लोकेशन दिखाऊंगा जहाँ से आपको सारी बसेस वगैरह मिल जाएंगी कॉलेज से। तो इस टाइम मैं खड़ा हूँ सी बिल्डिंग के बाहर, और यहाँ पर ही आपकी सारी बसेस वगैरह आती हैं। तो गाइस, सी बिल्डिंग में एंटर करते सार ही आपके राइट हैंड साइड पर रजिस्ट्रार ऑफिस है, और इसके लिए बुकिंग आप वो सामने जो कियोस्क बने हुए हैं वहाँ से बुकिंग करते हो, आप अपॉइंटमेंट लेते हो, और फिर आपका नंबर अनाउंस होता है वहाँ पर, और फिर आप अंदर जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में आप अपनी बात कर सकते हो। और ये यहाँ पर बैठने के लिए स्टूडेंट लॉन्ज बना हुआ है। तो सी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर ही इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है, और उसके साथ सबवे और मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप मतलब कुछ भी खा सकते हो। मार्केट प्लेस में आपको पिज्ज़ा बर्गर सब मिल जाता है। तो अब मैं एंटर कर रहा हूँ के बिल्डिंग में, जहाँ पर लाइब्रेरी, जॉर्जियन स्टोर वगैरह है। स्टोर के बिल्कुल साथ ही हमारा बुक स्टोर है, जहाँ पर आपको बुक्स वगैरह और कोई भी यूनिफॉर्म या बैज वगैरह लेना है तो आपको यहाँ पर मिलेगा वो। तो इस टाइम मैं ई बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रहा हूँ, और अंदर ही जॉर्जियन डाइनिंग रूम है, ये हॉस्पिटैलिटी की वो है बिल्डिंग। तो अब चलते हैं अंदर, और फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो गाइज, अब मैं अंदर से तो फ्री हो चुका हूँ, एंड शी इज़ माई प्रोफेसर, आई लव हर सो मच, शी इज जस्ट माई फेवरेट हेयर, एंड जस्ट से हाई टू हर। तो गाइज, मेरा अंदर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और अगर आप कॉलेज में स्टूडेंट हो तो $10 में आपको एपेटाइज़र, मेंस, डेजर्ट और ड्रिंक मिल सकता है जॉर्जियन डाइनिंग रूम में। और जॉर्जियन डाइनिंग रूम बेसिकली एक लैब सेटअप है जहां पर बच्चों को सिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट वगैरह में सर्व कैसे करते हैं। और ये कोर्स मेरे पास मेरे सेकेंड सेमेस्टर में था, और ये जो प्रोफेसर मैंने अभी आपको मेरे दिखाए थे, ये मेरी बहुत ही फेवरेट और मतलब सबसे ज़्यादा प्यारे प्रोफेसर हैं। इनके साथ मुझे बिल्कुल मम्मा और बेटे वाली फीलिंग आती है, क्योंकि मतलब ये सबको ना अपने बच्चों जैसा ही प्यार देते हैं। और अंदर अभी क्या हुआ कि मेरा जैसे $10 बिल बनना था, तो उन्होंने कहा कि मैं तुझसे चार्ज नहीं करती हूँ क्योंकि तुम मेरे फैमिली का ही पार्ट है। और ये बात कितनी अच्छी लगती है ना जब कोई ऐसे बोलता है। तो मतलब मेरा इनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। और अगर आपको भूख लगती है तो आप जॉर्जियन डाइनिंग रूम में जा सकते हो, ये दोपहर के टाइम और शाम के टाइम खुलता है। तो ई बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ही ये कैफ़े है, द लास्ट क्लास और द फर्स्ट क्लास कैफ़े। तो गाइस, अब मैं जे बिल्डिंग में जा रहा हूँ, और आपको यहाँ पर एथलेटिक एंड फिटनेस सेंटर दिखाऊँगा। तो आपको अंदर एंटर करते ही सामने 1 का टैप करना है अपना, और फिर आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो एथलेटिक एंड फिटनेस सेंटर से बाहर निकलते ही यहाँ पर स्टूडेंट एसोसिएशन का ऑफिस है, तो अगर आप यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये उसमें आपकी हेल्प कर दें।
और अब मैं जा रहा हूँ सेल्डन सेंटर फॉर हेल्थ वेलनेस एंड साइंसेस, और ये एम बिल्डिंग है, और यहाँ पर कोई भी फिटनेस वगैरह के अगर आपके पास कोर्सेज है तो यहाँ पर होंगे वो। एन बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे ही ये जॉर्जियन स्टूडेंट रेजिडेंशियल्स हैं, और अगर आपको यहाँ पर रूम वगैरह बुक करवाना है तो आप जॉर्जियन कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू करवा सकते हो, और प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन भी आपको सारी वहाँ पर मिल जाएगी, और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो कॉलेज की एक बात सबसे सही ये है कि सारी बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड हैं, और मतलब अगर बाहर स्नो वगैरह हो रही है तो आपको बाहर से नहीं जाना पड़ता। अगर आप एक बिल्डिंग में एंटर कर गए तो बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना बहुत आसान रहता है। तो गाइज़ मैंने अब अपने व्लॉग में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने का कोशिश करा है, बट अगर कुछ रह गया हो तो फिर वो आप कॉलेज की वेबसाइट पर एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक और बात, अगर आपको ये लगता है ना कि आपका यहाँ पर आकर मन नहीं लगेगा, हाँ तो स्टार्टिंग में वो दिक्कतें काफ़ी होती हैं कि आपको कई बारी जॉब नहीं मिलती और होम सिकनेस बहुत होती है, पर जब आपका कॉलेज शुरू हो जाता है तो फिर आपको मतलब टाइम नहीं मिलता, क्योंकि असाइनमेंट्स वगैरह इतनी होती हैं, टेस्ट होते हैं, तो फिर आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता। और जब आप जॉब पर लग जाते हो तो आपका मतलब फोकस सारा जॉब और कॉलेज पर ही रहता है। और जब मैं भी वैनकूवर से यहाँ पर अपने लास्ट सेमेस्टर के लिए मूव कर रहा था तब मुझे भी यही था कि क्यों जाना पड़ रहा है, पर अब मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे 4 महीने बीत गए और अगले महीने मेरी फ़्लाइट है। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। My professor here, say hi to her. And okay, shoot it.